बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। स्कूलों के साथ साथ राज्य के कॉलेजों में भी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के लिए शिक्षा विभाग कोशिश में लगी है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर रखने की योजना बनाई है। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के जरिए प्रोफेसर और लेक्चरर लिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजा है। दरअसल राज्य के सभी विश्वविद्यालय में अब निजी एजेंसियां प्रोफेसर और लेक्चरर उपलब्ध कराएंगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 4 एजेंसियां तय की हैं। विश्वविद्यालय में खाली सीटों पर 2 वर्षों के लिए मानदेय के आधार पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाने का हवाला दिया है। राज्य के शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इससे संबंधित पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग की तरफ से तय किए गए एजेंसियों से कॉलेजों के प्राचार्य करार कर सकेंगे और शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की गई 4 एजेंसियों को विश्वविद्यालय के प्रावधानों के तहत काम करना होगा और निविदा में तय सभी शर्तों को मानना होगा। एजेंसी से 6 तरह के शिक्षक बहाल किए जा सकेंगे। इसमें इंस्ट्रक्टर, स्पीकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस शामिल होंगे। सभी को घंटे के हिसाब से अलग अलग मानदेय दिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर शिक्षक को 50 मिनट की क्लास के लिए ₹500 मिलेंगे, वहीं 3 सत्र के लिए उन्हें ₹1200 और पूरे दिन के लिए ₹1500 मिलेंगे। स्पीकर को 50 मिनट की क्लास के लिए ₹500 और 3 सत्रों के लिए ₹1200 और पूरे दिन के लिए ₹1500 दिए जाएंगे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर को 50 मिनट की क्लास के लिए ₹1000, 3 सत्र के लिए ₹1800 और पूरे दिन के लिए ₹2000 दिए जाएंगे। और वहीं एसोसिएट प्रोफेसर को 50 मिनट की क्लास के लिए ₹1200, 3 सत्रों के लिए ₹2200 और पूरे दिन के लिए ₹3000 दिए जाएंगे। प्रोफेसर को 50 मिनट की क्लास के लिए ₹1500, 3 सत्र के लिए ₹2800 और पूरे दिन के लिए ₹3500 मिलेंगे, जबकि प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस को 50 मिनट की क्लास के लिए ₹1500 और उसी के साथ साथ 3 सत्रों के लिए ₹2800 और पूरे दिन के लिए ₹3500 दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें विश्वविद्यालयों में मानदेय के आधार पर अब प्रोफेसर और लेक्चरर रखने की योजना बनाई जा रही है। बाकी क्या कुछ होगा हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।